Good afternoon, friends. Welcome back to digital platform of Study Adda. ये जो नया चैनल मैंने शुरू किया है, this is for O level. तो इसको हमने Study Adda को नाम दिया है, O level Study Adda. तो जैसा कि आपको पता है कि सितंबर में ही आप लोगों का O level का exams है, तो मैंने आज से एक नया सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग ओ लेवल के कुछ पुराने पेपर्स को सॉल्व करके देखेंगे. तो ये आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो जो लोग भाई इस चैनल पे एकदम नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर वीडियोस. तो फ्रेंड्स, अब मैं जानता हूं कि आप लोग के पास समय कम है, तो मैं आपका और अपना समय बर्बाद न करते हुए सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में कुल मिलाकर के 4 थियोरेटिकल पेपर्स हैं, M1 R5, M2 R5, M3 R5 एंड M4 R5. M1 R5 जो है आपका IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का है. दूसरा जो पेपर है M2 R5, ये आपका वेब डिज़ाइनिंग का पेपर है. और तीसरा जो पेपर है आपका, वो है M3 R5, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग. एंड द लास्ट वन M4 R5 इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो कुल मिलाकर के ये 4 पेपर होंगे. इस पेपर को आपको क्लियर करना है. अब हर एक पेपर जो होगा, इसके 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव में. पहला है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे. हर एक क्वेश्चन के आपको 4 विकल्प मिलेंगे. इन 4 में से जो सबसे सही विकल्प है उसे आप चुनेंगे. दूसरा आपका होता है ट्रू एंड फॉल्स. इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे. इन 10 क्वेश्चन में आपको हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तीसरा आपका होता है मैच द कॉलम्स. आपके पास 2 कॉलम है, एक्स एंड वाई. एक्स में आपको 10 स्टेटमेंट दिए हैं और वाई में आपके पास 13 विकल्प हैं. इन 10 स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और विकल्प में से जो सबसे सटीक मैचिंग वाला आपका विकल्प है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, मैच करेंगे, राइट. और इसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे. और आखिरी जो है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें भी आपको शुरू में 13 विकल्प दिए होंगे और इसके बाद 10 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें कुछ रिक्त स्थान दिए होंगे. आपको इस 13 विकल्प में से किसी एक विकल्प को इस रिक्त स्थान में भरना है. तो ये आपका पेपर का क्राइटेरिया है. और सेकेंड सेक्शन में आपको मिलते हैं 6 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव होते हैं. हर एक क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट्स होंगे. आपको इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं. फाइन, तो अब हम आज केवल एक पेपर, ये आपका मॉडल पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव वाला है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करूँगा, आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे जुड़ें. अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन होगा, इसे आप ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि अगर फ्यूचर में हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए. वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, या वीडियो की क्वालिटी से, ऑडियो की क्वालिटी से, या आपको क्वेश्चन में कोई संदेह है, तो आप प्लीज़ बिना झिझक के इसे कमेंट में बता सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट उसका कारण भी बताएंगे तो हमें अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने में
बहुत सहूलियत होगी। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द पेपर। हम लोग पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। नाउ एमसीक्यू का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको मल्टीपल यूजर्स से एक साथ कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी देता है। अब इसमें जो विकल्प दिए हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, चैट रूम और अ फोटो कम्युनिटी। तो अब देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको केवल एक व्यक्ति से कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी देता है। ईमेल भी आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं है। चैट रूम में आप, एक रूम होता है जिसमें आपके साथ कई लोग उसमें लॉगिन होते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से स्पेशली अलग से या फिर कई व्यक्तियों से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फोटो कम्युनिटी केवल फोटो कम्युनिकेशन के लिए है, इसलिए जो सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा चैट रूम, यानी कि आंसर इज सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अ ब्राउजर इज, ब्राउजर क्या होता है? अ स्पेशल फोल्डर ऑन द विंडोज डेस्कटॉप यूज टू कीप डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट व्हेन शेयर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। नंबर टू, अ लाइन दैट डिलिनिएटेड द एज ऑफ प्रोग्राम विंडो। नंबर थ्री, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज फॉर व्यूइंग वेब पेजेस इन द इंटरनेट। एंड नंबर फोर, नंबर डी, अ विंडो दैट इज करेंटली ओपन। तो आपको तो इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। जब आप इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं तो ब्राउज करने के लिए आपको एक ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है, वेब ब्राउज़र की। और ये वेब ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए क्रोम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट में, इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट के जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये हो सकता है, मोजिला का फायरफॉक्स हो सकता है, एप्पल वालों का सफारी हो सकता है, इसी प्रकार से ओपेरा भी हो सकता है। तो कोई कई अलग अलग तरह के ब्राउजर्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर व्यूइंग वेब पेजेस इन द इंटरनेट। तो सही आंसर है सी। एक्सक्यूज मी, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। एन एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क दैट इज असाइंड टू स्टोर ईमेल मैसेजेस सेंड बाय द अदर यूजर्स। जब कोई अन्य व्यक्ति आपको ईमेल भेजता है तो वो कहाँ आके सेव होता है, मेमोरी में या डिस्क में? पहला है पोस्ट ईमेल, दूसरा है पोस्ट बॉक्स, तीसरा है ईमेल बॉक्स और चौथा है मेल बॉक्स। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि मेल बॉक्स। जब कोई यूज़र आपको ईमेल भेजता है तो वो आपके मेल बॉक्स में आके सेव होता है, जो आपके सर्वर पे हार्ड डिस्क पे बना होता है। अगली बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको बताएगा मेल बॉक्स में कौन कौन से मेल आए हुए हैं, जो अनरेड मैसेजेस हैं, मेल्स हैं, उसको आप खोल के देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि मेल बॉक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज, इंटरनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, पहला इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर दो इंटर कनेक्शन ऑफ पेरिफेरल्स, नंबर थ्री इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स एंड नंबर फोर इंटर कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। तो इंटरनेट का जब हम डेफिनेशन आप लोगों को बताते हैं, इसका डेफिनेशन हम बताते हैं, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, अर्थात कई अलग अलग नेटवर्क्स हैं, इनको जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो बनता है इंटरनेट। और नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज इंटर कनेक्शन ऑफ सम कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। कुछ कंप्यूटर और डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क बनता है। तो इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर तो नेटवर्क है, इंटर कनेक्शन ऑफ पेरिफेरल्स ये भी एक नेटवर्क का पार्ट है, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स यानी कि नेटवर्क के भी नेटवर्क, यही आपका सही आंसर है, यानी कि सी, नेटवर्क, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
द इंटरनेट इज ओन्ड बाय IAB, IETF, इंटर NIC, डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये इंटरनेट के आर्किटेक्चर को डिसाइड करने के वाली बॉडी है। इंटरनेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिसाइड आपका IAB करता है। दूसरा है आपका IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसका काम है इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना और उसके मेंटेनेंस करना, ये इसका काम है। इंटर एनआईसी आपके नेटवर्क इंटरफेसेस के जितने भी है उसके बारे में स्टैंडर्ड डेवलप करता है इंटर एनआईसी, नन ऑफ द अबव। जब आप इंटरनेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ बताते हैं आपको कि इंटरनेट सभी का है और इंटरनेट किसी का नहीं है। इंटरनेट किसी का नहीं मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है, सभी लोग इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के लिए कुछ पेमेंट करते हैं जिसे हम लोग टैरिफ कहते हैं। तो इंटरनेट बिलोंग्स टू एवरीवन, सभी का है और इंटरनेट किसी का नहीं है। तो इसमें से जो भी आपके नाम दिए गए हैं ये कोई भी इसके ओनर तो है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाइल सेंडिंग अ फाइल और मैसेज ऑन द नेट इट इज डिवाइडेड इंटू वेरी स्मॉल पार्ट्स नोन एज, जब हम कोई फाइल या मैसेज भेजते हैं नेट के ऊपर तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पिन और चौथा पैकेट। जब हम नेटवर्किंग में आप लोग को पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि जब मैसेज भेजा जाता है नेटवर्क के ऊपर तो नेटवर्क के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और इस मैसेज के जो टुकड़े हैं इनको हम कहते हैं पैकेट्स। हर एक पैकेट पे मैसेज का सीक्वेंस नंबर, यानी कि पैकेट का सीक्वेंस नंबर, एक हेडर जिसमें भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का दोनों का IP एड्रेस होता है और लास्ट में हमारा एक ट्रेलर होता है जिसमें उसके एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के कुछ कोड्स होते हैं। तो ये हमारा पैकेट्स कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है पैकेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड ब्राउजर, इनमें से कौन सा सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला ब्राउजर है। विकल्प दिया है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर आप ध्यान से सारे विकल्पों को देखें तो आपको आंसर बहुत ही क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये ब्राउजर तो है नहीं। दूसरा गूगल, गूगल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राउजर का नाम गूगल नहीं है, ब्राउजर का नाम है क्रोम, गूगल कंपनी का नाम है या आपके सर्च इंजन का नाम है, तो ये भी आपका ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट का पैकेज है तो ये भी ब्राउजर नहीं है। तो बचा क्या, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो इसका सही आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करिए, नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद जो इम्पॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिसको जवाब देना ज़रूरी है मैं उसका जवाब भी देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डिवाइज्ड एट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कहाँ पर किया गया था, किसने किया था नहीं, कहाँ पर किया गया था। तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में और ये सर्न में किया था, CERN, सर्न में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा
ए सर्न। अब ये सर्न क्या है, सी ई आर एन क्या है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो उस समय टिम बर्नर्स-ली वहीं पे काम करते थे, इज इट क्लियर? तो इसका सही आंसर है ए सर्न, सी ई आर एन। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। अब इसके जो ऑप्शंस दिए हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं आपको आंसर के लिए सारे फुल फॉर्म भी बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको आंसर खुद ब खुद पता लग जाए। तीसरा है टेलनेट, टेली नेटवर्क, एंड लास्ट इज एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो जब फुल फॉर्म हमने बता दिया तो उसी में आंसर आपको पता लग गया होगा। इसका सही आंसर है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यही वो प्रोटोकॉल है जो ईमेल को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सही आंसर है बी एसएमटीपी। पहले पार्ट यानी कि एमसीक्यू का जो आखिरी क्वेश्चन है इसको देख लिया जाए। विथ रिगार्ड्स टू ईमेल एड्रेसेस दे मस्ट ऑलवेज कंटेन, ईमेल के संदर्भ में, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लागू होता है? पहला, दे मस्ट ऑलवेज कंटेन एन एट द रेट सिंबल। नंबर टू, दे कैन नेवर कंटेन स्पेसेस। नंबर थ्री, दे आर केस सेंसिटिव। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने ईमेल एड्रेस देखा होगा तो उसमें स्पेस संभव नहीं है। दूसरा, उसमें एट द रेट सिंबल आपको दिखता ही दिखता है। तीसरा, केस सेंसिटिव भी होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों ही सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये था हमारा पहला पार्ट, ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमारा दूसरा पार्ट है ट्रू और फॉल्स। इसमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको सिर्फ ये बताना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, पहला प्रश्न, अ सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ऑल लिंक्ड टुगेदर टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब। विशेष रूप से डिजाइन किए डॉक्यूमेंट्स की श्रृंखला जिसमें सभी इंटरनेट पे देखे जाने के लिए एक साथ लिंक किए जाते हैं, उन्हीं को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हमारे वेबसाइट्स में क्या होते हैं, हमारे पास कई सारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं हाइपर लिंक के द्वारा। जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो वाला पेज हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो आंसर इज ट्रू। दूसरा, यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू अ पिक्चर। आप किसी पिक्चर पर हाइपर लिंक नहीं कर सकते, ये असत्य कथन है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर इमेज, तो हाइपर इमेज, आप किसी भी पिक्चर को भी आप हाइपर इमेज बना सकते हैं। इस पर क्लिक करने से कोई संबंधित पेज या आर्टिकल खुल के सामने आ जाएगा। तो ये कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स। तीसरे पे चलते हैं। हमारा जो तीसरा है, ई पेमेंट इज अ स्मार्ट ऑप्शंस फॉर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कलेक्ट देयर पेमेंट ऑनलाइन। पेमेंट को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए ई पेमेंट एक स्मार्ट ऑप्शन है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये कथन सत्य है। आजकल हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ई ट्रांजैक्शंस करें, इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें। ये फास्ट भी है, सुरक्षित भी है, और इससे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं। वरना आप बैंक में जाएंगे, बैंक से आप अगर चेक वगैरह भी देते हैं, ड्राफ्ट वगैरह भी देते हैं, तो उसमें बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको कैश वगैरह करवाना पड़ेगा। कैश पेमेंट में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेहतर तरीका यही है ई पेमेंट। ई पेमेंट के कई तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग
कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कथन सत्य है। अगले कथन की ओर चलते हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम इज डिप्लॉयड टू कीप ट्रैक ऑफ द यूजर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं पर नज़र रखने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम इसकी देखरेख करता है। आंसर इज ट्रू। भाई आईपी एड्रेस के माध्यम से ही सभी का कनेक्शन पॉसिबल है और यहीं पे आईपी के एड्रेस के माध्यम से ही हम किसी भी यूज़र को डेटा भेज सकते हैं या वहाँ से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। पांचवा, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये अभी अभी ने कुछ देर पहले आपके एमसीक्यू में भी पढ़ा था। तो ये कथन सत्य है, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एट द रेट एंड डॉट साइंस कैन बी यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। यस, यू कैन यूज एट द रेट साइन एंड डॉट साइन। इनफैक्ट हर एक ईमेल एड्रेस में ये तो होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज फॉर व्यूइंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ये भी क्वेश्चन अभी हमने एमसीक्यू में देखा था। तो एक तरह से ये रिपीटेशन है। यस, ये ट्रू है। आठवां क्वेश्चन, मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल पल्सेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर इक्विपमेंट इनटू एनालॉग सिग्नल्स। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है बेटा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर यानी कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदलना, डीमॉड्यूलेटर डिजिटल को दोबारा एनालॉग में बदलना। ये दोनों काम करता है, एनालॉग पल्सेस को डिजिटल में और डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट, WWW stands for World's Widest Web. Wrong. It is World Wide Web. ठीक है ना, इसका चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ वेब है। तो इसका ये आंसर फॉल्स है। 10th क्वेश्चन, W3C is international community that develops open standard to ensure long-term growth of web. W3 consortium is World Wide Web Consortium. W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका काम है स्टैंडर्ड डेवलप करना, जिसको फॉलो करके हमारे सारे डेवलपमेंट होंगे। तो फ्यूचर में भी जो हमारे वेब्स पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनेंगे वो इन स्टैंडर्ड को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो ये कथन सत्य है। तो ये इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे, जहाँ पर हम लोग एक्स और वाई दो कॉलम्स को मैच करते हैं। एक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे और वाई में कुछ विकल्प दिए हैं, कुल मिला के 13 विकल्प दिए हैं। तो यहाँ के एक एक क्वेश्चन पढ़िए और इनमें से जो विकल्प सही है उससे आप इसको क्लोजली मैच करेंगे। तो सबसे पहले इसमें तरीका ये होता है कि हम वाई वाले जो भी विकल्प हैं उसको एक बार पढ़ लें ध्यान से और फिर एक्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमें ये समझने में आसानी होगी ये किस वाले से जा कर के मैच करेगा। ओके, पहला विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, तीसरा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, चौथा है FTP एक्स्ट्रानेट, पांचवा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, छठा है एक्स्ट्रानेट, सातवां है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है बॉडी बॉडी टैग, फिर है बोल्ड टैग बी, फिर है इंजन, फिर है HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, अगला है सर्च इंजन और लास्ट है बुकमार्क। तो ये आपके पास 13 विकल्प हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उससे संबंधित मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। एन इंटर कंपनी नेटवर्क डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल्स एंड डेटाबेस।
ठीक है, एक अंतर कंपनी का नेटवर्क, मतलब अलग अलग कंपनी का नेटवर्क जिसको डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। जब एक ही कंपनी के कई ब्रांचेस को आपस में जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है इंट्रानेट, और जब अलग अलग कंपनीज के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड डेटा शेयरिंग, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एक्स्ट्रानेट, यानी कि एफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्रोग्राम टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर वेब डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए एक प्रोग्राम है। अब अभी जितने भी हमने विकल्प पढ़े थे उसमें से एकमात्र इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसा है जो कि वेब ब्राउज़र है, और ये आपको पता है वेब डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन एक्स में देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, HTTP, HTTP आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बी। इसका सही आंसर है बी। लास्ट इज PPP, PPP का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये भी आपके नेटवर्क का एक तरीका होता है, तो ये PPP का इसमें आंसर दिया भी है सी में, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो सही आंसर है सी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पांचवा प्रश्न। हाइपरलिंक दैट जंप्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, एक हाइपरलिंक जिससे कि हम किसी विशेष स्थान पर जा सकते हैं किसके द्वारा बनाया जा सकता है। अब इसमें जितने भी दिए हैं ऐसा कोई टैग नहीं दिया जिसको हम लोग देख सकें। इसमें हमें एक मार्क जो दिख रहा है वो है आपका बुक मार्क। तो बुक मार्क एक ऐसा टैग होता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान पर जा सकते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द WWW एनवायरमेंट। फाइल ट्रांसफर की बात हो रही है तो इसमें आपको FTP का बिना सोचे समझे आंसर होना चाहिए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? अब आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया है आंसर में, यस इट इज दियर। तो ये आपका सही आंसर होगा ई। डी इज FTP, यस FTP एक्सट्रेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ वेबसाइट दैट सर्चेस एनीथिंग, एक ऐसा वेबसाइट जो कुछ भी सर्च करता है, ये है आपका सर्च इंजन। बहुत आसान सा है, गूगल, बिंग, याहू, ये सब अलग अलग तरह के हमारे पास सर्च इंजन्स हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इसका आंसर होगा ई। ओके, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, नवा प्रश्न। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स एंड एंड विथ विच पेयर ऑफ टैग्स, HTML डॉक्यूमेंट्स के स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग HTML टैग्स होते हैं, जो कि आपका विकल्प के में दिया हुआ है, तो आंसर इज के। आखिरी क्वेश्चन हमारे कॉलम मैचिंग का है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन HTML, अगेन इसके लिए हमारे पास बॉडी टैग ही होता है, तो इसका सही आंसर है बॉडी, यानी कि H। तो ये थे हमारे सारे मैच द फॉलोइंग्स के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, इफ देर इज एनी एलिमेंट ऑफ डाउट, प्लीज डोंट ट्राई टू एस्केप इट, आप उसको हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले यानी कि आखिरी कैटेगरी भी चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स।
इसमें भी आपको एक टेबल दिया होगा जिसमें 13 क्वेश्चन 13 विकल्प दिए होंगे, इन्हीं विकल्पों में से आपको ब्लैंक्स में कुछ भरना है। पहले हम लोग विकल्प पढ़ लेते हैं जिससे कि फिल इन द ब्लैंक्स करने में आसानी हो। हमारे विकल्प जो दिए हैं, हिस्ट्री, प्रोटोकॉल, टिम बर्नर्स ली, ओपेरा ड्रैगन फ्लाई, मोजेक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, 1989, मार्क एंडरसन, फिर है सर्फिंग, नेटस्केप नेविगेटर, यूसी ब्राउज़र और आखिरी है सफारी। आई एम सॉरी। तो ये आपके 13 विकल्प दिए हैं, इन्हीं विकल्प में से हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। डैश इज टर्म विच इज नॉर्मली यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे वेब पेजेस पे नेविगेट करने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं सर्फिंग। तो इसमें सर्फिंग विकल्प दिया है जे में, तो सही आंसर है जे, यानी कि सर्फिंग। अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश फोल्डर कंटेन्स रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस। जो हाल ही में विजिट किए गए वेब पेजेस हमारे हिस्ट्री में होते हैं, तो हिस्ट्री का जो विकल्प है दैट इज ए, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, माफ कीजिएगा, उसी पेज पे है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ URL इज, URL का जो पहला पार्ट होता है आपने देखा होगा हमेशा HTTP या HTTPS दिया होता है, जिसको कहते हैं ये एक प्रोटोकॉल है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या है, प्रोटोकॉल होता है, यानी कि इसका आंसर है बी। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज एन ओपन सोर्स फ्री वेब ब्राउजर फ्रॉम मोजिला। मोजिला के द्वारा जो बनाया गया एक फ्री ब्राउजर है वो कौन सा है, इसका है नाम फायरफॉक्स, मोजिला का फायरफॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा जी, फायरफॉक्स। पांचवा क्वेश्चन, डैश इज फुल्ली फीचर डेवलपमेंट एंड डिबगिंग टूल्स इंटीग्रेटेड इनटू ओपेरा ब्राउजर। अब ओपेरा दिया है तो इसमें आंसर भी दिया रखा है ओपेरा ड्रैगन फ्लाई, तो इसका सही आंसर है डी, ओपेरा ड्रैगन फ्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। डैश इज पॉपुलर वेब ब्राउजर फ्रॉम एप्पल। एप्पल वालों का जो सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो है सफारी, तो इसका सही आंसर है एम, यानी कि सफारी। नेक्स्ट, फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज क्रिएटेड इन, पहला वेब ब्राउजर कब बनाया गया था, 1989 में। कुछ लोग कहते हैं 1990 में, बट चूंकि यहाँ पे विकल्प में 1989 दिया गया है तो हम इसी को सही मान के 1989 ही आंसर देंगे। नेक्स्ट, और आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया गया है जो वेब ब्राउजर से संबंधित हैं। एक नाम दिया है टिम बर्नर्स ली, तो ये बनाया गया था किसके द्वारा, अगर वो नाम आता तो टिम बर्नर्स ली होता। कब बनाया गया था, 1989 में। अगला क्वेश्चन भी वही है, चलिए मिल गया। द फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स ली, तो सही आंसर है सी, यानी कि टिम बर्नर्स ली। आखिरी क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स का, डैश वॉज डेवलप्ड बाई नेटस्केप विच एम्प्लॉयड मेनी ऑफ द ओरिजिनल मोजेक ऑथर। मोजेक के कुछ एम्प्लॉयज़ को लेकर के एक नई कंपनी बनाई गई थी नेटस्केप, उन्होंने भी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक अपना वेब ब्राउज़र बनाया जिसको कहते हैं नेटस्केप नेविगेटर, तो इसका सही आंसर है के, नेटस्केप नेविगेटर। तो दोस्तों ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स का पहला सीरीज था जो हमने आज आपके सामने रखा। आप देख के समझ गए होंगे ये हमारा इंटरनेट चैप्टर से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस थे। इनमें से अधिकतम क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग सालों में आए हैं, उन्हीं का एक संकलन करके हमने एक इंटरनेट वाले चैप्टर से मॉडल पेपर बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हमें खुशी तब ज़्यादा होगी जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग से भी एक बार फिर से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
स्टडी अड्डा हमारा चैनल है, चूंकि ये ओ लेवल से संबंधित है तो इसका नाम होगा ओ लेवल स्टडी अड्डा। तो इस चैनल पे आप लोग सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, और अगर आप बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो फ्यूचर में जितने भी हमारे ऐसे वीडियोस आएंगे वो आपको अवेलेबल होंगे, आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। कमेंट करना ज़रूर प्लीज़, ये हमारा निवेदन है, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट में आप उसे भी बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।